हेलो एवरीवन, टिकलेस एकेडमी ऑफ मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में डिफरेंशियल कैलकुलस ये यूनिट को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसमें न्यू टॉपिक फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का फर्स्ट प्रॉब्लम कवर करेंगे और ये आज डिफरेंशियल कैलकुलस का फोर्थ लेक्चर है। वैसे इसके पहले के सभी लेक्चर स्टडी करने के लिए आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमें फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का फर्स्ट प्रॉब्लम स्टडी करना है। तो देखिए, जो प्रॉब्लम आज हमें सॉल्व करना है वो आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या लिखा है हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ y इक्वल्स टू टेन इनवर्स ऑफ x। इसका हमें फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो चलो फाइंड आउट करेंगे। और ये फाइंड आउट करते समय आपको कुछ डिफरेंशिएशन के कुछ रूल्स पता होना चाहिए। वो पहले हम रूल्स बता देते हैं, देन आफ्टर हम इसको डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करेंगे। तो रूल आपको क्या याद रखना है, देखिए, अगर आप y को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, तो आप y के आगे लिखेंगे d by dx, ठीक है। y को आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो y के आगे आपने d by dx लगा दिए, तो इसको कहेंगे दैट इज y1, ठीक है, इसको कहेंगे y1, दैट इज dy by dx, इट मींस y1, ठीक है। और अगर आप y1 को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो आप ऐसा लिखेंगे d by dx ऑफ y1। ये देखिए, अगर आप y1 को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो गया dy1 by dx, तो इसको आप कहेंगे y2, ठीक है। ये आपको याद रखना है, क्योंकि आगे चल के जब हम इसको डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो इस टाइप का हमें रिप्लेसमेंट करना होता है। dy by dx के जगह हमें y1 रखना है, dy1 by dx के जगह हमें y2 रखना है। उसी तरह से अगर आप यहां पे d by dx ऑफ, अगर आप y2 करेंगे, इट मींस y2 को डिफरेंशिएट कर रहे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा y3। इस तरह से अगर आपके पास फॉर एग्जांपल ऐसा हो जाए, देखिए, अगर आपको y स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो आप ऐसा लिखेंगे d by dx ऑफ y स्क्वायर। तो इसको डिफरेंशिएट करते समय आप क्या लिखेंगे, देखिए, y स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो y स्क्वायर का हो जाएगा 2y, ठीक है, और फिर y को अलग से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा dy by dx, ठीक है, y स्क्वायर का 2y और फिर y को अलग से डिफरेंशिएट किए तो dy by dx, तो फाइनली ये हो जाएगा 2y into y1, इस तरह से, ठीक है, क्योंकि यहां पे dy by dx माने y1 होता है। हमने आपको कहा है यहां पे कि dy by dx y1 होता है, तो हमने इसके जगह यहां पे y1 लिखे। इस तरह का आपको डिफरेंशिएशन करना है। और एक यहां पे एग्जांपल समझ लो, अगर आपको यहां पे d by dx ऑफ यहां पे y1 स्क्वायर अगर आपको करना है, तो देखिए y1 स्क्वायर का हो जाएगा 2y1, क्योंकि यहां पे जैसे y स्क्वायर का 2y हो गया, तो y1 स्क्वायर का 2y1, लेकिन हमें y1 को अलग से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो y1 का हो जाएगा दैट इज dy1 by dx, इस तरह से, जैसे हमने y को यहां पे अलग से डिफरेंशिएट किए थे, उसी तरह से यहां पे हमें y1 को अलग से डिफरेंशिएट करना है, तो ये इस तरह से। और अब हम यहां पे लिखेंगे, ये पहला जो 2y1 है ये तो एज इट इज है, लेकिन ये dy1 by dx, तो ये हो जाएगा y2, क्योंकि यहां पे हमने आपको बताया है, ये देखिए dy1 by dx, यहां पे y2 होता है, तो हमने इस तरह से लिखे हैं। तो ये इस टाइप का डिफरेंशिएशन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन क्रिएट करना है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्रिएट करने के लिए इस टाइप का रिप्लेसमेंट अगर आपको पता है, तो आप आसानी से डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकते हैं। तो चलो यहां पे y equals to tan inverse of x का हमें डिफरेंशियल इक्वेशन क्रिएट करना है। फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर दोनों इक्वेशन हमें यहां पे क्रिएट करना है। तो चलो सबसे पहले हम यहां पे जो गिवन फंक्शन है वो यहां पे लिख लेंगे। क्या दिया हुआ है, y equals to tan inverse of x, ये फंक्शन दिया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हम बनाएंगे, और उसके लिए हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, क्योंकि यहां पे देखो इसके लेफ्ट साइड में y है, इट मींस y इज अ फंक्शन, और राइट साइड में x है, इट मींस x इज अ वेरिएबल। तो x के रिस्पेक्ट में हमें इसको डिफरेंशिएट करना है, तो हम यहां पे लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। देखो हमने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, ऐसा हमने स्टेप लिख दिए, तो लेफ्ट साइड में हो जाएगा दैट इज d by dx ऑफ y, बिल्कुल स्टेप वाइज करेंगे। और देखो राइट साइड में हो जाएगा d by dx ऑफ tan इनवर्स ऑफ x, इस तरह से हमने लेफ्ट साइड में भी डिफरेंशिएशन करें, राइट साइड में भी डिफरेंशिएशन करें। और अब लेफ्ट साइड में ये क्या हो रहा है, देखिए d by dx ऑफ y, इसको क्या कहेंगे, इसको आप y1 कहेंगे, क्योंकि हमने आपको थोड़ी देर पहले कहा था दैट इज d by dx ऑफ y क्या होता है, y1 होता है, तो इसलिए हमने इसके जगह y1 रखे। और यहां पे d by dx ऑफ tan इनवर्स ऑफ x, ऐसे में आपको tan इनवर्स ऑफ x का डिफरेंशिएशन का फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला हमने इसके पहले डिफरेंशियल कैलकुलस के फर्स्ट लेक्चर में बताए थे। अगर आपने डिफरेंशियल कैलकुलस का फर्स्ट लेक्चर नहीं
स्टडी किए हैं तो आपको याद से स्टडी करना चाहिए, उसमें आपको डिफरेंशिएशन में यूज होने वाले सभी फार्मूलेज मिल जाएंगे। तो उसमें हमने टेन इनवर्स ऑफ एक्स का फार्मूला हमने बताए थे, देखिए फार्मूला ऐसा है, दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स ऑफ एक्स होता है, दैट इज वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला होता है, बस हमें इसका यूज करना है। तो चलो हम यहां पे लिखेंगे d बाय dx ऑफ tan इनवर्स ऑफ x, दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x स्क्वायर। इस तरह से हमने इसको डिफरेंशिएट कर लिए। और अब हम क्या करेंगे, यहां पे ये जो डिनोमिनेटर में है हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, दैट इज 1 प्लस x स्क्वायर इनटू y1 इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो फाइनली अब ये जो 1 है जो राइट साइड में है उसको हम लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई वन माइनस वन इक्वल्स टू जीरो। तो फाइनली यहां तक हमने सॉल्व कर लिया, इसको और सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो हमें इक्वेशन मिला है ये कौन सा इक्वेशन है, तो ये है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन भी तैयार करना है, सेकंड ऑर्डर इक्वेशन भी तैयार करना है, ऐसे में ये हमने फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार कर लिए। अब ये फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर कैसे समझ में आएगा, काफी सिंपल है। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में हमेशा dy by dx होता है, देखिए dy by dx के फॉर्म में है तो वो हो गया फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, और अगर d square y by dx square है तो ये हो गया सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर इक्वेशन में इस टाइप का अगर आपको दिख रहा है तो आप उसको सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कह सकते हैं, और अगर सिर्फ dy by dx दिखेगा तो आपको उसको फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कहना है। तो यहां पे देखिए y1 है, y1 माने dy by dx होता है, क्योंकि हमने आपको यही पे बताया है कि ये dy by dx को y1 कहते हैं। तो फाइनली ये y1 है, इट मींस ये इनडायरेक्टली dy by dx है, इट मींस ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। और अब हम इसी का सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे। तो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए सबसे पहले ये एक काम करेंगे, ये जो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है हमने उसको इक्वेशन नंबर वन दे दिए। अब हमें क्या करना है, ये इक्वेशन नंबर वन को ही डिफरेंशिएट करना है। तो हम यहां पर लिखेंगे डिफरेंशिएट इक्वेशन वन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। देखो हम इसको इक्वेशन नंबर वन को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगा। तो चलो डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करते हैं। तो लेफ्ट साइड में हम यहां पे देखो हम लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ क्या है, वन प्लस एक्स स्क्योर इंटू वाई वन। तो हम लिखेंगे वन प्लस एक्स स्क्योर इंटू वाई वन माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ वन इक्वल्स टू जीरो। देखो राइट साइड में जीरो है तो वो जीरो एज इट इज है। हमने सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करना है तो हमने उसके आगे डी बाई डी एक्स लिख दिए, फिर हमें इसको डिफरेंशिएट करना है वन को तो उसके आगे भी हमने डी बाई डी एक्स लिख दिए, और यहां पे डी बाई डी एक्स ऑफ वन क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि वन एक कॉन्स्टेंट टर्म है, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो होता है, ये तो जीरो हो जाएगा, लेकिन हमें इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अब इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहां पे दो टर्म्स है, देखिए ये ब्रैकेट जो है ये है फर्स्ट टर्म और ये जो y1 है ये है सेकंड टर्म। तो हमें क्या करना है, हमें यहां पे डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है। अब डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल यहां पे अगर आप अप्लाई करेंगे तो आसानी से सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकते हैं। प्रोडक्ट रूल बहुत ही सिंपल है, देखो हम यहां पे प्रोडक्ट रूल लिख के देते हैं, अगर आपके पास नहीं लिखा है तो आप लिख के रखो। तो डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल ऐसा है, देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर आप फर्स्ट और सेकंड टर्म ऐसे दो टर्म्स अगर आप लेते हैं और अगर आप यहां पर प्रोडक्ट रूल लगाते हैं तो रूल ऐसा है, फर्स्ट टर्म इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट टर्म, ये है डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल। बस आपको ये रूल पता होना चाहिए तो आप आसानी से आप सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ऊपर में यहां पे बना सकते हैं। तो चलो हम वही करेंगे, यहां पे फर्स्ट टर्म है सेकंड टर्म है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि यहां पे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, ऐसे में वाई तो कांस्टेंट होना चाहिए, फिर हमने वाई वन को कांस्टेंट क्यों नहीं लिए, वो इसलिए नहीं लिए क्योंकि हमने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि यहां पर जो वाई है वो वाई एक फंक्शन है, इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड में लिखा है, इट मीन्स ये एक फंक्शन है और फंक्शन कभी भी कॉन्स्टेंट नहीं होता है, फंक्शन को हमेशा डिफरेंशिएट करना होता है, तो इसलिए हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। और यहां पे हमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है, तो देखो डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल हमने यहां पे लिख के रखा है, चलो हम यहां पे अप्लाई करेंगे। तो रूल के अकॉर्डिंग देखो, फर्स्ट टर्म इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ऐसा हमें करना है। तो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, तो बिल्कुल स्टेप वाइज हम यहां पे करेंगे। तो देखिए फर्स्ट टर्म हमने लिखेंगे 1 + x स्क्वायर, ठीक है, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड टर्म, तो d / dx ऑफ हम y1 लिखेंगे, प्लस सेकंड टर्म हम लिखेंगे इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है, दैट इज वन प्लस एक्स स्क्योर, और यहां पे ये माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ वन, ये तो जीरो हो जाएगा तो इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो यहां पे फर्स्ट टर्म इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड
प्लस सेकंड इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, और अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये जो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट तो एज इट इज रहेगा, तो ये जो ब्रैकेट है वो हम एज इट इज लिखेंगे 1 प्लस x स्क्वायर। और अब ये देखिए d बाय dx ऑफ y1, तो इसके जगह हम लिख देंगे y2, क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले कहा था कि y1 को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो हो जाएगा y2। और प्लस ये जो y1 है, ये y1 as it is लिखेंगे, d by dx of यहाँ पे 1 plus x square। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, ये ब्रैकेट के अंदर के हर एक टर्म को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो d by dx of 1 ये हो जाएगा 0, तो ये हम लिखेंगे यहाँ पे 1 का डिफरेंशिएशन 0 प्लस x square का डिफरेंशिएशन, ये हो जाएगा ट्वाइस x इक्वल्स टू 0, ठीक है। 1 एक कॉन्स्टेंट है, तो कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, और फिर d by dx of x square करेंगे तो x square का डिफरेंशिएशन 2x होता है। तो फाइनली इस तरह से हमने डिफरेंशिएट कर लिए। अब इसको थोड़ा सा सेट करेंगे, तो ये हम इसको ऐसा लिखेंगे 1 प्लस x square into y2 प्लस 2x of y1 equals to 0। फाइनली हमने यहां तक उसको एक्सटेंड किए, तो फाइनली ये जो हमें इक्वेशन मिला है, ये है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आपके मन में आएगा ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये कैसे समझ में आ रहा है, वो इसीलिए क्योंकि देखिए यहां पे जो y2 लगा है, y2 का क्या मतलब है, y2 मतलब होता है dy1 by dx। ये देखिए y2 मतलब dy1 by dx, और यहां पे y1 है, y1 मतलब यहां पे dy by dx। ये तो हमने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था, लेकिन यहां पे y2 के तरफ आप ध्यान दो। y2 के बारे में एक और आपको चीज बताते हैं, यहां पे हमने आपको कहा है कि y2 मतलब dy1 by dx, और यहां पे अगर आप y1 का वैल्यू पुट करेंगे, y1 का वैल्यू क्या होता है, dy by dx, तो अगर आप y1 का वैल्यू यहां पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा दैट इज d by dx ऑफ dy by dx। ये देखिए ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। इसके तरफ आप ध्यान दो, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये जो हमने लिखा है इसके तरफ आप ध्यान दो। ये जो y2 है इसको हमने dy1 by dx कहा, आप इसको d by dx of dy by dx ऐसा भी कह सकते हैं, क्योंकि हमने y1 के जगह y1 का वैल्यू पुट किया। देखो y1 का वैल्यू होता है dy by dx, वो हमने रखे, और फाइनली अगर ये पूरे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये होता है, दैट इज ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, डी स्क्योर वाई बाई डी एक्स स्क्योर। ये देखिए ये जो होता है, इसके तरफ आप ध्यान दो, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो हमने लिखा है इसको पूरा मल्टीप्लाई करने के बाद, यहां पे ये दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करने के बाद ऐसा होता है डी स्क्योर वाई बाई डी एक्स स्क्योर। इसका मतलब ये है कि वाई टू को आप डी वाई वन बाई डी एक्स ऐसा भी कह सकते हैं, और वाई टू को आप डी स्क्योर वाई बाई डी एक्स स्क्योर ऐसा भी कह सकते हैं। तो ये जो है यही है आपका वाई टू। तो फाइनली ये जो इक्वेशन हमें मिला है, ये है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्वेश्चन में कहा था फाइंड फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये जो हमने बनाए थे ये थी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये जो हमने बनाया है ये है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। प्रॉब्लम यही पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ये था फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये टॉपिक का फर्स्ट प्रॉब्लम। इसके आने वाले वीडियोज में इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम कवर करेंगे, ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। इसके पहले के सभी वीडियोज देखने के लिए आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियोस देख सकते हैं। आपको अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स जिनको इसकी जरूरत है आप उनके साथ इसको शेयर करिए, कुछ डाउट्स है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आपने अगर अभी भी अगर हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करिए, ताकि इसी तरह के यूजफुल वीडियोज आपको हमेशा मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।